हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज फिर मैं टू कलर्स का क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इसे बनाने के लिए भी मैंने ये मैं सिंगल फंदे बनाया है मैंने एक क्रोशे के ऊपर, और इससे मैं चेन बनाती चली जाऊंगी जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा। हर बार की तरह मैं यहाँ पर भी मैं छोटा सा ही चेन बनाकर उस पर डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों के लिए, जिससे पसंद आने पर आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। और इतना बड़ा चेन बनाने के बाद मैं लास्ट में 3 बार ये सिंगल फंदे एक्स्ट्रा बुन लूँगी, और 3 बार एक्स्ट्रा बुनने के बाद देखिए 3 चेन छोड़कर 4थी चेन से मैं ये डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। फिर एक सिंगल फंदा बुनूँगी मैं, और उसके बाद नीचे से 1 चेन छोड़कर 2री चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर एक सिंगल चेन बनाऊंगी फंदे से, और एक नीचे चेन सिंगल छोड़कर 2री चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर सिंगल फंदा बनाऊंगी, और फिर 1 चेन नीचे की छोड़कर 2री चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट फिर सिंगल फंदा, और एक नीचे से चेन छोड़कर 2री चेन से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से फिर सिंगल फंदा, और 1 चेन छोड़कर 2री चेन से नेक्स्ट इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। 1 चेन छोड़कर 2री से ही बनाऊँगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह पूरी चेन पर इसी तरह का डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी लास्ट तक, जो मैंने ये चेन बनाई है छोटी सी। पूरा इस तरह से बनाने के बाद नेक्स्ट रो में भी मैं इस तरह से स्टार्ट में 1 2 3 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद इस तरह से दूसरे डबल क्रोशिया से सेकंड वाले से डबल क्रोशिया बना लूँगी, सिंगल फंदा फिर बनाऊँगी इस तरह से। नेक्स्ट आगे की डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बना लूँगी, नेक्स्ट फिर मैं इस तरह से सिंगल फंदा बनाऊँगी और इस तरह डबल क्रोशिया बना दूँगी। नेक्स्ट इसी तरह सिंगल फंदा, फिर आगे डबल क्रोशिया बना दूँगी, फिर सिंगल फंदा, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना दूंगी। इसी तरह मैं सारे चेन के डबल क्रोशियाओं के ऊपर सिंगल फंदा और उसके बाद डबल क्रोशिया इस तरह से बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक।
इस तरह से देखिए पूरे मैंने दो बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में देखिए स्टार्टिंग से तीन बार सिंगल फंदे की चेन और देखिए इस जगह से एक दो तीन और चार, चार बार डबल क्रोशिया लेने के बाद सिंगल फंदे से इस तरह से बुन लूँगी। फिर एक दो, दो बार सिंगल फंदा बुन के इस तरह से आगे की नेक्स्ट जगह से एक दो तीन चार, चार बार लेकर इस तरह से और फिर सिंगल फंदे से मैं बुन दूंगी इस तरह से एक दो। नेक्स्ट चेन से भी मैं इसी तरह से एक दो तीन और चार, चार बार डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी। फिर एक दो, दो बार सिंगल फंदे से बुनने के बाद आगे की जो हमारी चेन है बीच की उससे फिर एक दो तीन और चार, चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह से और एक दो, दो बार बुन दूंगी। देखिए इसी तरह से मैं पूरे डिज़ाइंस पूरे डिज़ाइनिंग पर बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से पूरे लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी इसी तरह डिज़ाइनिंग। अब देखिए मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी ग्रीन, एक दो तीन, तीन बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद जो हमारा ये बीच का है डिज़ाइनिंग के चेन उससे मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी फिर सिंगल फंदा आगे की इस जगह से बनाऊंगी डबल क्रोशिया फिर सिंगल फंदा फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया नेक्स्ट सिंगल फंदा डबल क्रोशिया सिंगल फंदा डबल क्रोशिया सिंगल फंदा। इसी तरह से पूरे डिज़ाइन पर बनाती चली जाऊंगी मैं सिंगल फंदा फिर डबल क्रोशिया और फिर सिंगल फंदा, इसी तरह से पूरे डिज़ाइन पर बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह। लास्ट तक बनाने के बाद नेक्स्ट रो सिंगल फंदा की चेन तीन बार और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया सिंगल फंदा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया सिंगल फंदा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी तरह पूरा बनाती चली जाऊंगी इस रो को भी मैं लास्ट तक।
नेक्स्ट रो में मैं स्टार्ट में 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और फिर आगे की चेन से 4 बार गिनकर 1, 2, 3, 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से इस तरह बुन दूंगी, फिर 1, 2 सिंगल फंदा, आगे की चेन से डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे से 1, 2 नेक्स्ट फिर इसी तरह 1, 2, 3, 4 4 बार बनाने के बाद सिंगल फंदे से इस तरह से बुन देना और 1, 2 इसी तरह मैं पूरे डिज़ाइनिंग के ऊपर बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। तो देखिए इसी तरह लास्ट तक बनाने के बाद मैं जितना चाहूँगी उतना डिज़ाइन बना लूँगी, जितना भी बड़ा मुझे बनाना होगा। तो देखिए ये अब मैं जो कलर मैंने नीचे लगाया था ऑरेंज उसे स्टार्ट करूँगी। आप चाहें कई मिलते जुलते कलरों से बना सकते हैं, मैं ये 2 कलर्स का बना रही हूँ, आप सिंगल कलर का भी बना सकते हो। 3 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया आगे के डिज़ाइन, फिर सिंगल फंदा, फिर डबल क्रोशिया, सिंगल फंदा, डबल क्रोशिया, सिंगल फंदा, नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे डिज़ाइनिंग के ऊपर से मैं सेम बनाती चली जाऊंगी। तो देखिए इसी तरह लास्ट तक बनाने के बाद सेम उसी तरह से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये इतना बड़ा डिज़ाइन मैंने बनाया है छोटा सा दिखाने के लिए आप लोगों को, आप किसी भी छोटे या बड़े प्रोजेक्ट में बना सकते हो ये प्यारा सा 2 कलर्स का क्रोशिए का डिज़ाइन। आप 1 कलर में भी बना सकते हो, ज़्यादा कलर में भी बना सकते हैं। तो अगर पसंद आए हो मेरे द्वारा बनाया हुआ ये प्यारा सा 2 कलर्स का क्रोशिए का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, इससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ। धन्यवाद।